अगर कभी भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि 26th पोजीशन पर इवन नंबर कौन सा आता है, तो देखिएगा आप लोग कैसे निकालोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 2 होता है। उससे बड़ा इवन नंबर कितना होता है? 4 होता है। उसके बड़ा 6 होता है। तो आप ये बहुत इजिली निकाल रहे हो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 26 क्या होता है, तो हो सकता है कि आपको सोचना पड़े, कुछ बच्चे निकाल भी सकते हैं। अब देखो, 2 में अगर 1 की गुणा कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब 4 कैसे आ रहा है? 4 आपका निकल कर आ रहा है, 2 में 2 की गुणा करने से 4 आ रहा है, और 2 में 3 की गुणा करने से आपका 6 निकल कर आ रहा है। तो ऐसे ही 26th पोजीशन पर जो इवन नंबर आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, 2 में 26 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 26th पोजीशन पर आपका जो इवन नंबर आएगा 52 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड द 26th ऑड नंबर। आपको ऑड नंबर निकाल कर बताना है। अब सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है, और 1 जो है वो 2 के पहले आता है। 1 क्या है? वो 2 के पहले आता है। तो यानी कि 26th पोजीशन पर अगर आपने इवन नंबर निकाल लिया 52, तो 52 के पहले क्या आता है? 51 आता है। तो यानी कि 51 क्या होगा? 26th पोजीशन पर आने वाला ऑड नंबर होगा। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।